नमस्ते बच्चों, तो अपने लेसन नंबर फोर्थ में आपका बहुत बहुत वेलकम है। लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन नंबर फोर्थ में अब जो चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे प्रतिरोध के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? हम बात करेंगे प्रतिरोध के ऊपर कि यदि आपको बोल दिया जाए कि शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ है, प्रतिरोध के ऊपर जो डेरिवेशन आएगा वो आएगा शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ का डेरिवेशन आएगा और आपको कहा जाएगा कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ यदि है हमारे पास तो आप हमें बताइए कि इसका हम डेरिवेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए प्रेरणिक प्रतिघात प्रवेश्यता हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले चीज मैंने आपको बताई थी कि हमें बनाना है डायग्राम। डायग्राम के लिए ये आपको बताया जा चुका है, ये क्या होता है? आर होता है। ये क्या होता है? प्रत्यवर्ती स्रोत होता है। क्या होता है? ये प्रत्यवर्ती स्रोत जो होता है बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। ये अपना बिल्कुल फिक्स है कि डायग्राम क्या है। डायग्राम में एक हमने प्रतिरोध जोड़ा है और प्रतिरोध को हमने कहाँ से जोड़ दिया? प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से हमने इसको जोड़ दिया है, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि V बराबर क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर हम इसमें दे देंगे फर्स्ट। फिर हम सेकंड क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। क्या लिखेंगे हम? ओम के नियम से। क्या जानते हो आप ओम के नियम के बारे में? ये होता है V इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तब हम यहाँ से देखिए हमें निकालना क्या है? आई हमें क्या निकालनी है? धारा। तो धारा ऐसे क्या हो रही है? विभव बटे प्रतिरोध। क्या हो रहा है? विभव बटे प्रतिरोध। I बराबर हो रहा है V अपॉन R। I बराबर V हो गया V नॉट साइन ओमेगा T अपॉन R। कितना हो गया? V नॉट साइन ओमेगा T अपॉन R हो गया। कहने का मतलब क्या है कि V इक्वल टू आई आर आपको दिया हुआ है ओम के नियम से, क्योंकि हम जानते हैं निकालना क्या है? धारा। तो धारा के लिए हमने क्या किया? V अपॉन R कर दिया। V की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। अब आपको और क्या देखना है कि ये जो आपको दे रखा है यहाँ पर V नॉट अपॉन R, देखिए ये वाली टर्म, इसको हम लिख देंगे I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिखेंगे इसको? I नॉट साइन ओमेगा टी। अतः इसको दे दो समीकरण नंबर दो। यहाँ पर क्या है? यहाँ है I नॉट बराबर कितना हो गया? V नॉट अपॉन R। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, इसमें भी ओमेगा टी, इसमें भी ओमेगा टी, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से V V की कला ओमेगा टी, आई की कला ओमेगा टी। V की कला कितनी है? ओमेगा टी। आई की कला कितनी है? ओमेगा टी। फिर क्या लिखेंगे? अतः कलांतर। कलांतर क्या होगा? ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस कर दो, जीरो आ गया कलांतर। मतलब कि इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इनको फटाफट से नोट करो, पहले नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने ये नोट कर लिया। तब हम अब क्या बनाना है? हमको बी में आई के ग्राफ, बी में आई में हमें बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए ध्यान रखना बेटा कि ये तो हमेशा टाइम के लिए होता है, जिसमें ये होता है टी अपॉन फोर, ये होता है टी अपॉन टू, ये होता है थ्री टी अपॉन फोर और ये होता है टी। यहाँ पर हम किस किस के लिए बात कर रहे हैं? बी और आई की हम बात करें तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, ये तो हो गया V,
ये किसका बन गया V का, यानी दो V M, किसके लग गया ये V M, और यहाँ जो है ये कितना है माइनस का V M। अब आप देख रहे हो कि विभव में V नॉट साइन ओमेगा टी और धारा में ओमेगा टी कोई अंतर नहीं है, जो धारा का कर्म बनेगा वो इससे थोड़ा सा नीचे बनेगा लेकिन तनाव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस टाइप से जो कर्व बनेगा ये बन गया आपका धारा का, ये हो गया आई एम और ये हो गया माइनस के आई एम। बताइए इसमें कोई समस्या हो ही नहीं सकती है क्योंकि वी एम और आई एम का कर्व भी तो बनाना है, कर्व बनाने के लिए हमें करना क्या है, वी का भी जीरो से स्टार्ट होगा। हाँ ये आप पूछ सकते हो कि जीरो से स्टार्ट क्यों हुआ, साइन जीरो की वैल्यू मैथ जानते हो ना, त्रिकोण की आपने पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है टेंथ क्लास में हम सारे बच्चों ने पढ़ रखी है। क्या होता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब जो कर्व है कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, इसलिए हमने इसको जीरो से स्टार्ट कर दिया। एक ग्राफ तो इसका ये बन गया है, इसको फटाफट से नोट करो, एक ग्राफ बन चुका है इसका। अब हम दूसरे ग्राफ की बात कर रहे हैं जिसको हम फेजर आरेख भी कहते हैं, ठीक है इसका फिर बनेगा फेजर आरेख। और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि फेजर आरेख बनाइए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए, तो ध्यान रखना फेजर आरेख कैसे बनेगा देखो। सब जगह मूव कर सकता है, तो एक बार ध्यान रखना ये होगा आई एम के लिए और यही होगा वी एम के लिए, ये सब फेजर आरेख है, ये सब क्या हो गया फेजर आरेख हो गया है। और आप ऐसे भी बना सकते हो यहाँ आई और यहाँ वी, मतलब कि जहाँ भी रहेंगे सेम सेम रहेंगे, कोई भी एंगल इनके अंदर नहीं बनेगा, एंगल नहीं बनेगा, बिल्कुल सेम सेम रहेंगे, बस एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, एक बड़ा था एक छोटा, इसके अलावा इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसको फटाफट से नोट कर लो, इसके बाद आपसे एक चीज और पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है देखिए, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप हमें ये बताओ कि ये आवृत्ति पर निर्भर करता है या नहीं करता है, तो प्रतिरोध में आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध में यह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब आप